हेलो एवरी वन वेलकम टू लेट्स डिस्कवर इट दिस इज़ आर सिंह एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर फोर्टीनथ क्वेश्चन ओके तो इससे पहले हमने सारे इंट्रोडक्शन वीडियोज से लेकर सारे इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कम्प्लीट कर लिया है और आज हम चैप्टर फोर्टीनथ करने जा रहे हैं धीरे धीरे आज हम मीन्स जनवरी तो आ ही चुका है मार्च तक हम इसे बुक को कम्प्लीट कर देंगे उससे पहले ही सारे क्वेश्चन आंसर वॉट यू हैव लर्न सब चीज़ आप तक पहुँच जाएगी तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन पे क्लिक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो क्वेश्चन आंसर में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेनड वे में नहीं बता सकती हूँ क्योंकि हर बार एक्सप्लेन करना उतना पॉसिबल नहीं रहता है तो इसलिए मैं हर एक पार्ट की वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ जहाँ भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं जब आप कमेंट करते हैं तब मैं रिप्लाई दे दिया करती हूँ तो आप ये मीन्स आप अगर कमेंट करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें फील होती ही होंगी तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को तो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो है मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट ओके ठीक है इसका आंसर हो जाएगा एसिड बेस एंड साल्ट जो मैंने चैप्टर में भी पढ़ाया है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द पासिस ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी करंट थ्रू अ सॉल्यूशन काउस कैमिकल इफेक्ट ओके इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर गेट डिपॉजिट ऑन अ प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपका पूछा जाएगा कि किस टर्मिनल में होता है नेगेटिव में और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग इसी के प्रोसेस से इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी की जाती है या द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो प्लेटिंग तो ये इंपॉर्टेंट है तो आंसर हो गया एसिड बेस साल्ट केमिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोप्लेटिंग याद रखिएगा चलिए अब लगता है क्वेश्चन है वेन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर आर डीप इन टू अ सॉल्यूशन द मैग्नेटिक मैग्नेटिक्स सो डिफ्लेक्शन कैन यू एक्सप्लेन द रीजन यस बिकॉज द डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल्स सो दैट द सर्किट इज कम्प्लीट एंड द सोल्यूसन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो सारी चीज़ें मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन की हैं क्वेश्चन नंबर थ्री नेम थ्री लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन अ मैनर सोन फिगर फोर्टीन पॉइंट फाइव मेक कॉल द मैग्नेटिकल टू डिफ्लेक्ट दैट इज लेमन जूस विनेगर एंड टैप वाटर तो आपका एग्जाम्पल कुछ डिफरेंट भी रह सकता है इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत होगा चलिए द बल्ब डू नॉट ग्लो इन सेटअप सोन इन फिगर फोर्टीन पॉइंट सिक्स तो क्या क्या पॉसिबल रीजन्स हो सकते हैं ऐसा नहीं है कि सिंपली हमारा गलत होगा सर्किट यानी वो जो लिक्विड है वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी या फिर वो वायर कहीं दिक्कत होगा तो प्रॉब्लम्स जो जो आएंगी वो है कि वायर्स जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा लूज हो सकता है वो बल्ब फ्यूज हो सकता है वहाँ पर जो हमने बैटरी यूज़ की है वो ख़त्म हो सकती है यानी यूज हो जाएगी या फिर जो लिक्विड है वो भी इंसुलेटर हो मे भी इंसुलेटर भी हो सकता है और नहीं तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है वहाँ पे तो एक चीज़ और हो सकता है कि बल्ब अगर हीट ना हो पाए तो फिर वो ना जलेगा अ टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स लेबल ए एंड बी इट इज फाउंड दैट बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो ब्राइटली फॉर लिक्विड ए वाइल इट ग्लो वेरी डीमली फॉर लिक्विड बी वाई सो लिक्विड ए इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी क्यों इसका आंसर हो जाएगा कि क्या लिक्विड ए जो था वो बेटर कंडक्टर था बी से इसलिए वैसा चला तो हाँ ऐसा था चलिए तो डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं नहीं या हाँ अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं हाँ अगर करते हैं तो क्यों तो नहीं करते हैं क्योंकि प्योर वाटर में कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है इन केस ऑफ़ फायर बिफोर द फायर मैन यूज़ द वॉटर हॉसेज शट अप द मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर द एरिया एक्सप्लेन वाई बिकॉज द वॉटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और उसमें जो फायरमैन है वो शट शटअप कर देता है अगर इलेक्ट्रिसिटी उसकी बॉडी में स्प्रे करते वक्त अगर सप्ल, सप्लाई हो जाए तो वो वहाँ पर तो उसे झटका लग जाएगा इसलिए ऐसा वो करते हैं द चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो द स्वेटर विथ इज टेस्टर ही फाइंड दैट द कम्पास निडिल डिफ्लेक्ट मोर इन द केस ऑफ सी वाटर कैन यू एक्सप्लेन वाई द रीजन बिकॉज जो साल्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंडक्टिव बना देता है कोई चीज़ को इसलिए तो जो सी वाटर होता है वो यूज अमाउंट में साल्ट को कंडक्ट करता है ड्रिंकिंग वाटर की कंपेरिजन में जो स्वेटर होता है वो बेटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और वो स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वायर्स में इसलिए डिफ्लैक्शन होता है कम्पास निडिल का ज़्यादा इट इज सेफ फॉर अ इलेक्ट्रीशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिक रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग हैब्बी डाउन पोर एक्सप्लेन नो इट इज़ हाईली डेंजरस टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिक रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग द हैब्बी डाउन पोर इट इज काउंट इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकॉशन एज वॉटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये कुछ पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है अटेंड वैसे मैंने किया है कि पहली हैज ही दैट रेन वॉटर इज एन गुड डल्यूट वॉटर सोशी कलेक्टेड सम रेन वाटर उसने कुछ रेन वाटर कलेक्ट किया एक ग्लास टम्बलर में और उसे जब टेस्ट किया तो सरप्राइज़ हुई क्योंकि वो उसे कंपास मेडल का डिफ्रेक्शन उसे सो किया तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि रेन वाटर जो है एक प्योर वाटर है जो इंसुलेटर है लेकिन जब उसमें एयर पॉल्यूटेंट जो एयर को पॉल्यूट करते हैं उसकी वजह से क्या होता है पता है उसकी वजह से होते हैं हमारे एसिड ड्रेन ओके तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी एसओ टू और नाइट्रोजन आयोक्साइड और ये दोनों मिलकर यानी एसओ टू और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर बनाते हैं एसिडिक सॉल्यूशन जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको बताया कि एसिड गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के तो इसलिए वहां पे डिफ्लेक्शन होता है ओके सो इलेवन नंबर एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है आपको चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रो प्लेटिंग हुआ हो आपकी चारों तरफ जो चीज़ भी है मेरे चारों तरफ जो चीज़ भी प्रेजेंट थी उसकी मैंने लिस्ट यहाँ पे तैयार करके रखी है जैसा कि आप देख सकते हैं चलिए द प्रोसेस ऑफ यूर सोइन एक्टिविटी फोर्टीन पॉइंट सेवन इज यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर थीन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड अ थीक रर्ड ऑफ इम्प्योर कॉपर आर काउज एंड इलेक्ट्रोड्स कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रड इज आउट टू बी ट्रांसफर्ड टू द थीन कॉपर प्लेट विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वाई तो जो थिक रड है उसे जो इम्प्योर कॉपर प्लेट इज टू बी अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बिकॉज वेन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट इट गेट डिसेक्केट इन टू द कॉपर एंड सल्फेट तो जो कॉपर होगा वो नेगेटिव टर्मिनल्स पर आकर चिपक जाएगा जिसमें हमको चिपकाना है उसे तो हमें नेगेटिव टर्मिनल्स पे ही रखना होगा तो वो एक अलग बात हुई यहाँ है द फ्री कॉपर बींग पॉजिटिवली चार्ज गेट ड्रोन टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट डिपॉजिट ऑन इट हाँ मैंने सही बोला था एकदम और वही चीज़ है दूसरा केस नहीं है सॉरी सो ऑन द अदर हैंड द लो लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन इज रिटेंड फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर रेड विच इज अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो नेगेटिव वगैरह जो बच जाएंगे वो हमारी पॉजिटिव पे आएंगे और जो लेयर हमारा डिपॉजिट होगा वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ़ बैटरी पे आ जाएगा तो किससे अटैच रहना चाहिए आप खुद बोलिए अटैचमेंट तो हमारी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ़ बैटरी पे ही रहनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या होगी यहाँ पे एक्चुअली हमारी क्या होगी मैं बता दूँगा आपको कि इलेक्ट्रो जो प्लेट होगा यानी इलेक्ट्रो प्लेट का मतलब क्या होगा आप समझे यहाँ पर जो एक्चुअली कॉपर uh, या फिर जो भी मेटल की हम लेयर चढ़ाएंगे तो वो इसी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ़ बैटरी पे ही चढ़ेगी इसलिए तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए तब तक के लिए बाय थैंक यू अगर महंगी चीज़ तो मैं बताई चुकी हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह थैंक यू